गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे वी आर लर्निंग अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर सेवंथ दैट इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी सो वी कैन सी दैट डीलिंग विद मेनी ऑफ दिस नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड टू सिक्योरिटी रिक्वायर्ड कोऑपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फन्ट्रेशन तो हमें क्या पता है हम देख सकते हैं कि वाइल वी आर डीलिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स सो वॉट इज बेटर इट इज़ बैटर टू कॉपरेट विद इच अदर कंट्री शुड कॉपरेट विद इच अदर रैदर दैन मिलिट्री कॉन्फ्रट्रेशन किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा क्या अच्छा है बैटर टू कॉपरेट विद इच अदर फॉर वॉट फॉर डीलिंग ऑल द नॉन ट्रडिशनल थ्रेट्स जब भी नॉन ट्रडिशनल थ्रेट्स हैं उनसे डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें आपस में कॉपरेशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रट्रेशन मिलिट्री फोर्सेज में हैव अ रोल टू प्ले इन कम्बेटिंग टेररिजम और इन इन्फोर्सिंग ह्यूमन राइट्स मिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं उनका इस्तेमाल कहाँ करा जा सकता है कम्बैटिंग टेररिज्म कम्बैटिंग मीन्स व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म यू कैन यूज़ मिलिट्री फोर्स और जब भी आपको ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करना हैल्सो यू कैन यूज मिलिट्री फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्टू सी वॉट फोर्स वुड डू टू हेल्प एलिविएट पुअर्टी मैनेज माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी मूवमेंट एंड कंट्रोल एपिडेमिक्स अगर मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कहाँ नहीं कर सकते कुछ भी मिलिट्री मदद नहीं कर पाएगी कहाँ नहीं कर मदद कर पाएगी जहाँ पर हमें पॉवर्टी को एलिविएट करना है और माइग्रेशन को मैनेज करना है जो रेफ्यूजी का मूवमेंट चल रहा है उसको कंट्रोल करना है एपिडमिक्स की वजह से हमें मिलिट्री फोर्स कुछ भी मदद नहीं कर पाएगी सो इन मोस्ट केसेज द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स वुड ओनली मेक मैटर वॉर्स अब ऐसी बहुत बार मिलिट्री जो है इन कंडीशंस को और भी ख़राब कर देगी तो मिलिट्री का फोर्स फोर्स का इस्तेमाल कहाँ यूज़ करना है टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए किया जा सकता है या फिर ह्यूमन राइट right के इन्फोर्समेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है लेकिन वहाँ पर वहाँ भी मिलिट्री का इस्तेमाल कैन बी इवन हेयर देयर इज़ अ लिमिट टू वट फोर्स कैन अचीव वहाँ भी क्या है फोर्स क्या अचीव कर पाएगी उसकी भी एक लिमिटेशन है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे आपको जितने भी टेररिज्म के जितने भी टेररिस्ट जो ग्रुप के लीडर्स होंगे उनसे बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सिचुएशन आएगी और ऐसे ही ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी लोगों से बातचीत करना इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन यूजिंग मिलिट्री फोर्स सो फार मोर इफेक्टिव इज़ टू डिज़ स्ट्रेटजी दैन इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोपरेशन मे बी बायोलेटरल बिटवीन टू कंट्रीज़ तो इससे क्या इफेक्ट इससे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है मिलिट्री फोर्स से इफेक्टिव क्या है मिलिट्री फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसी स्ट्रैटजीज़ को ऐसे स्ट्रेटजीज़ को डिवाइज करना ऐसे तरीक़े अपनाना ऐसे मास्टर प्लान बनाना जो जिसमें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, international cooperation की ज़रूरत हो जाए मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इन्वॉल्व किया जाए उनमें और कॉपरेशन कैसा हो सकता है बायलेटरल हो सकता है बाय मींस टू टू कंट्रीज़ आपस में कॉपरेशन कर रही हैं और रीजनल हो सकता है किसी एक रीजन की सारी कंट्रीज़ आपस में कॉपरेट कर रही है। हैं जितने भी नॉन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी के उनके अगेंस्ट में कोई रीजनल एरिया की जितनी भी कंट्री है वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं किसी कंटिनेंट की सारी कंट्रीज़ कर रही हैं और ग्लोब की कंट्रीज सारी की सारी आपस में कॉपरेट कर सकती हैं किसी भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के लिए इट विल ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ़ द थ्रेट एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंट्रीज़ टू रिस्पॉन्ड अभी किस पर डिपेंड करेगा कि वो थ्रेट किस तरह का है वो किस तरह से ख़त्म होगा वहाँ पर किस तरह के कॉपरेशन की ज़रूरत है और लोगों की विलिंगनेस कितनी है उस उस थ्रेट को पूरा करने के लिए कितने विलिंग हैं कंट्रीज़ कितना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आल्सो इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है उसमें और भी बहुत से प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि अपनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कौन हो सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हो सकते हैं नेशनल प्लेयर भी हो सकते हैं जो एक कोऑपरेटिव ग्रुप में कोऑप्रेशन में इंक्लूड हो जाए और सारे के सारे जो आपके ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उनको उन उनसे हमें सिक्योरिटी मिल सकती है अब किस तरह से हो सकते हैं ये जो है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यूनाइटेड नेशंस उसमें मदद कर सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें मदद कर सकता है आप देख रहे हैं कि अभी कोई भी एक्डेमी एपिडेमिक फैला है तो उसमें डब्ल्यूएचओ बहुत हेल्प कर रहा है तो कोऑपरेशन से काम चल रहा है तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हेल्प कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक हेल्प कर सकता है और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी हेल्प कर सकता है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल कॉपरेट कर सकता है कहीं कहीं रेड क्रॉस कहीं पर कैलेमिटी हो गई कोई और घटनाएं हो गई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया अर्थ क्विक हो गया वहाँ पर रेड क्रॉस काम कर सकता है एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काम करता है प्राइवेट फाउंडेशंस एंड चैरिटीज़ बहुत से लोग पैसा देते हैं फंड्स देते हैं चैरिटीज़ करते हैं जिससे कि गरीब लोगों की हेल्प हो सके चर्चेस मदद कर सकते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियस एंड सोशल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी मदद कर सकते हैं कोऑपरेशन में ये भी कोऑपरेटिव कोऑपरेशन का एक पार्ट हो सकते हैं बिजनेस एंड कॉपरेशन भी हेल्प कर सकते हैं एंड ग्रेट पर्सनैलिटी मदर टेरेसा एंड नेल्सन मंडेला इन लोगों ने भी बहुत सी मदद करी बहुत से ट्रेडिशनल थ्रेट्स से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स से सिक्योरिटी के उनको एक्वायर करने में इन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेशन किया है इंडिविजुअल लेवल पे भी हुआ है इंटरनेशनल ग्रुप्स भी कॉपरेशन कर सकते हैं और और जो नॉन इंटरनेशनल एनजीओस हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हेल्प कर सकती हैं कॉपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ़ फोर्स एज अ कॉपरेटिव सिक्योरिटी है वो क्या हो सकता है फोर्स का इस्तेमाल उसको लास्ट में होना चाहिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सेंक्शन द यूज़ ऑफ फोर्स टू डील विद गवर्नमेंट दैट गज देयर ओन पीपल और इग्नोर द मिजरी ऑफ देयर पोपलेशन हुआसटेटेड बाई पोअर्टी तो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस हैं या और भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो देर सवेर क्या करेंगे उनको ऐसा करना चाहिए कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए एक प्लान बनाना चाहिए किसके लिए ज़रूरत है फ़ोर्स का इस्तेमाल ऐसी गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए जो अपने ही लोगों को मार रही है या अपने ही ऐसे लोगों को ऐसे पॉपुलेशन को इग्नोर कर रही है जिन जो गरीब हैं जिन डिजीज़ है जिनमें जो डिजीज से परेशान है और कैटास्ट्रोफी कैटास्ट्रोफी हो रखी है कैटास्ट्रोफी में कोई क्राइसिस हो रखी है डिजास्टर हो रखा है उनका ध्यान नहीं रख रही गवर्नमेंट तो उस कंडीशन में इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने ऐसा सेंक्शन नेसेसरी ली ऐसे रूल सेंक्शन बना कर देने चाहिए जो कि फ़ोर्स का इस्तेमाल उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सके जो अपने ही लोगों को किल कर रहे हैं इट मे हैव टू एग्री टू द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड दोज हु हार्बर देम और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात पे भी एग्री हो सकते हैं कि उनको वायलेंस इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ करना चाहिए जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट करना चाहिए और वो कंट्रीज़ के अगेंस्ट करना चाहिए जो जो टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं हार्बर मींस नर्चर कर रहे हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं उनको जगह दे रहे हैं चेरिश uh, करने के लिए तो ऐसी कंट्रीज़ को ऐसे ग्रुप्स को भी फोर्स के द्वारा उसका इस्तेमाल करके सिक्योरिटी हमें मैंटेन करनी पड़ेगी नॉन टेरिशन सिक्योरिटी इज़ मच बेटर वैन द यूज़ ऑफ फोर्स इज सेंशन एंड अप्लाइड कलेक्टिवली बाई इंटरनेशनल कम्यूनिटी रादर दैन वैन एन इंडिविजुअल कंट्री डिसाइड्स टू यूज़ फ़ोर्स ऑन इट्स ओन तो कह रहे हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो कब बेहतर है जबकि फ़ोर्स की सेंक्शन हो जाए फोर्स की परमिशन मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए और वो कलेक्टिवली इस्तेमाल करें मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ऑब्ज़र्व करे उसको चेक करे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कितना हो रहा है उसके मेज़र्स को चेक करे मेथड को चेक करे और तो उससे हमें सोल्यूशन मिल सकता है और सिक्योरिटी मेंटेन हो सकती है नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज तो इंडिया हेज़ फेस ट्रडिशनल एंड नॉन ट्रडिशनल थ्रेड्स टू इट सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज फ्राम विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर अब देखिए इंडिया को क्या करना पड़ा ट्रेडिशनल मिलट्री अटैक भी झीलने पड़े फॉरन कंट्रीज़ के द्वारा और नॉन ट्रडिशनल थ्रेड्स भी वे क्योंकि हमारे देश के अंदर जो नॉन ट्रडिशनल थ्रेड्स थे वो भी आते रहे बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम है सिविल वॉर्स होते रहे और टेररिज्म होता रहा जो कि नॉन ट्रेडिशनल है और आपका ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन कहीं कहीं पर हुआ तो जो भी है इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को फेस किया है इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज़ फोर ब्रॉड कंपोनेंट विच हैव बीन यूज्ड इन अ वेरिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अब देखिए जो इनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है फोर ब्रॉड कंपोनेंस हैं कौन कौन से देखिए इंडिया ने सिक्योरिटी की स्ट्रेटी क्या है और कौन कौन से इसके ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं अब फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इवॉल्व इन कॉन्फ्लिक्स विद इट्स नेबर्स पाकिस्तान 1947 फोर्टी सेवन 1971, एट नाइनटीन सिक्सटी फाइव नाइनटीन सेवनटी वन नाइनटीन नाइन्टी नाइन एंड चाइना इन नाइनटीन सिक्सटी टू सिंस इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज इन द साउथ एशियन रीजन इंडिया डिसीज़न टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन नाइनटीन नाइनटी जस्टिफाइड बाई इंडियन गवर्नमेंट अब देखिए इंडिया ने क्या करा है पहला कंपोनेंट क्या है इसका सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रेंदन करा जाए अपनी आर्मी को बड़ा पावरफुल बनाया जाए अब देखिए इंडिया ने कितने मिलिट्री अटैक वॉर में इन्वॉल्व हुआ है इंडिया किसके साथ हुआ है पाकिस्तान के साथ फोर टाइम वॉर हो चुका है चाइना के साथ भी हो चुका है वन टाइम और इंडिया को ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इंडिया के इंडिया की जो सराउंडिंग्स है उसमें बहुत से ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो इंडिया को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को भी न्यूक्लियर आर्म को भी अपना मेंटेन रखना पड़ता है और इंडिया ने जो डिसीज़न लिया था न्यूक्लियर टेस्ट करने का 1998 में उसको जस्टिफाई करती है इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को सेफ करने के लिए किया था क्योंकि इंडिया के साउथ एशियन रीजन में इंडिया से वहाँ पर सारी मैक्सिमम हर कंट्री के पास क्या है न्यूक्लियर आर्म्स हैं पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं चाइना के पास भी हैं तो इंडिया ने भी 1998 नाइन्टी एट में टेस्ट करके अपना नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड किया इंडिया फर्स्ट टेस्ट द न्यूक्लियर डिवाइस इज़ इन नाइनटीन इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया था 1974 में द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटी हैज़ बीन टू स्टैंड इंटरनेशनल नॉम्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो इंडिया ने क्या करा कि उन्होंने उनका सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है कि वो इंटरनेशनल नॉम्स जो हैं इंटरनेशनल नॉम्स के होते हैं इंटरनेशनल नॉम्स एग्जिस्ट एज अ कॉन्स्टेंट ऑन फॉरन पॉलिसी ये नॉम्स आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरन पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स मीन्स हाउ द टू कंट्रीज़ आर बिहेविंग विद ईच अदर दैट सम नाम्स आर फिक्सड सो दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल नॉम्स सो इंडिया क्या करता है जो भी फॉरन पॉलिसी होगी किसी एक कंट्री की उसके लिए कुछ सर्टन नॉम्स बने हुए हैं तो उन नॉम्स उन जो नॉर्म्स बने हुए उनको सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको सपोर्ट करता है टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसलिए करता है कि इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने में इंडिया की हेल्प करें इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडरिटी डी

वहाँ पर कॉलोनी जो इम्पीरियल कंट्रीज़ थे जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी उन्होंने कहा गया कि डी कॉलोनाइजेशन करिए उन कंट्रीज से आप चले जाइए एंड डिस आर्मेंट और आर्म्स को कम करना है उसके लिए इंडिया ने सपोर्ट किया और उसके बाद यू यु, एन को एज ए फोरम की जैसे सपोर्ट किया कि इंटर किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के समय जो यूनाइटेड नेशंस है वो इंडिया को हेल्प कर सके और जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्स सेटल हो सके इंडिया ऑल्सो टुक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट अ यूनिवर्सल एंड नॉन नॉन डिसक्रमनेटिफ्रेशन रिजीम इन विच ऑल कंट्रीज वुड हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने कहाँ पर इनिशिएटिव लिया इस बात में इनिशिएटिव लिया कि क्या होना चाहिए कि एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल नॉन प्रोरीफ्रिगेशन रेजीम बननी चाहिए कि ऐसी रेजीम बने इंटरनेशनल कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सल हो सबके लिए इक्वली हो कह पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिच और पुअर कंट्री के साथ और नॉन प्रोरीफ्रेशन और नॉन प्रोरीफ्रेशन मीन्स एंटी जो जो आपके न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमिनेशन हैं न्यूक्लियर वेपन्स हैं टेक्नोलॉजी है उसको रिड्यूस करना है एलिमिनेट करना है स्प्रेड ऑफ़ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी को एंड टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स ऑन न्यूक्लियर वेपन्स उनके जो हमने स्टॉक बना के रखे हैं उसको भी कम करना है तो इंडिया ने इसका सपोर्ट किया है कि हमें न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमिनेशन को कम करना है और जो उसका स्टॉक पाइल्स है उसको भी कम करना है इन विच ऑल कंट्रीज़ वुड हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लीगेशन विध रिस्पेक्ट टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंडिया ने कहा कि हमें ऐसी रेजियम बनाएं जो यूनिवर्सल हो नॉन डिस्क्रिमिनेट्री हो नॉन प्रोरीफेड्रेशन वाली ग्रुप ऑफ ऐसे कंट्रीज हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं उन सब कंट्रीज़ के सेम राइट right होने चाहिए और सबकी सेम ड्यूटीज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में सबकी जो राइट्स होने चाहिए और ऑब्लिगेशन सेम होने चाहिए किसी भी कंट्री के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एक ऐसा फोरम बने अब देखिए किसी भी तरह के वेपन हो मास वेपन क्या हो सकते हैं मास डिस्ट्रक्शन के वेपन कौन से हो सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है बायोलॉजिकल बॉम्ब हो सकते हैं केमिकल बॉम्ब्स हो सकते हैं तो ये सारे के सारे जो वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के उसको कम से कम किया जाए और सारे के सारे लोग कंट्रीज़ की Equal rights equal obligations भी और और भी ने ने इस तरह के का support किया है। It argued that an equitable new international economic order, इन्होंने ने बोला है कि जो नियो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको सपोर्ट किया न्यू इंटरनेशनल क्या है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस ब्रिटेन वुड सिस्टम इन नाइनटीन सेवनटी बाई सम डेवलपिंग कंट्रीज टू यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू प्रोमोट देयर इंटरेस्ट बाई इम्प्रूविंग देयर ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ब्रिटेन वुड सिस्टम को नाइनटीन सेवेंटी में रिप्लेस किया वो इंट्रोड्यूस हुआ उसको रिप्लेस करने के लिए और ये किसने इंट्रोड्यूस किया डेवलपिंग कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया नीओ और वो क्या चाहते थे वो चाहते थे कि जो उनकी ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोशन मिले उनको भी ट्रेड में हेल्प मिले जो ट्रेड के सिस्टम है जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो इंडिया ने कहा कि उन्होंने किसका सपोर्ट किया इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का सपोर्ट किया मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट यूज़ नॉन अलाइनमेंट टू हेल्प काव आउट एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक पॉलिसीज ऑफ द टू सुपर पावर्स और इंडिया ने क्या करा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया जिससे क्या हुआ कि जितने भी ब्लॉक पॉलिटिक्स थी जो बायपोलर कंट्री वर्ल्ड की सिचुएशन थी वहाँ पर जितनी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही थी दो ब्लॉक के बीच में उससे वो जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी वो क्या हो गई सुपर पावर के बीच में वो काव आउट हो गई वो कम हो गई इंडिया जॉइंट वन सिक्सटी कंट्रीज दैट है नाइनटीन सेवन नाइनटी सेवन क्यूटो प्रोटोकॉल इंडिया ने कीटो प्रोटोकॉल में साइन किए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था विच प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग द एमिनेशन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस केसेज तो क्यूटो प्रोटोकॉल जो कि नाइनटीन नाइन्टी सेवन में साइन हुआ था वो हंड्रेड एंड सिक्सटी कंट्रीज ने साइन करा था उसमें इंडिया ने भी साइन करा वो क्यों था वो इसलिए था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन जो इस ग्रीन हाउसेस गैसे हैं उन सारी की सारी ग्रीन हाउसेस की गैसेज के इमिशन को कम किया जाए ग्लोबल वार्मिंग जिससे रुक सके इंडियन ट्रूप्स हैव बीन सेंट है यू एन पीस कीपिंग मिशन इन सपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो यू एन की पीस कीपिंग मिशन में सपोर्ट करती हैं जहाँ भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का काम करना चाहता है तो इंडिया की फोर्सेस भी वहाँ जाके उनको सपोर्ट करती हैं द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज़ गियर towards मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं बहुत जगह मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है, बहुत जगह फोर्सेस का को अप्लाई करना पड़ रहा है तो इंडिया क्या करता है कि वो अपने आप को इन सिक्योरिटी चैलेंज को फेस करने लायक बनाता है अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम एरिया सच इस नागालैंड मिजोराम द पंजाब एंड द कश्मीर अमंग अदर हैव फ्रॉम प्राइम टू टाइम शॉर्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया बहुत मिलिटेंट ग्रुप्स थे कहाँ कहाँ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कि चाहते थे कि नागालैंड अलग हो जाए इंडिया से कुछ मिलिटेंट ग्रुप में जो राम के थे वो चाहते थे इंडिया से अलग हो जाए पंजाब के थे और कश्मीर के भी थे तो वो चाहते थे कि इंडिया से वो अलग हो जाएं ब्रेक अवे हो जाएं इंडिया हैज़ ट्राई टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया क्या चाहता है उसने एक एक नेशनल उन्होंने नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व किया है कैसे किया है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करके हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है तो लोगों को वोटिंग के राइट right हैं उसके हिसाब से पता लग जाता है कि कौन लोग किस मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं कितना हो रहा है और लोग क्या चाहते हैं उनसे बातचीत का तरीका शुरू हो जाता है और फिर मिलिट्रीली भी इंडिया अपने आप को सेल्फ सफिशेंट बना रहा है कि वो चैलेंजेस फेस कर सके साथ में पॉलिटिकली भी अपने आप को सेल्फ सफिशंट बना रहा है जिससे कि ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत हो सके और जो नॉन जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो सके। द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज अलाउंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ग्रुप ऑफ पीपल टू फ्रीली आर्टिकुलेट देयर ग्रेवियंसिस तो हाउ दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ हेल्पिंग It is allowing different communities and different groups, different militant group, to freely articulate. Articulate means they can communicate their grievances. What is their grievances? Whatever injustice they are feeling, whatever they, whatever they are feeling that they, there is injustice being done with them. So they can communicate these injustices and share political power. And at the same time, they can come to the power by electing themselves.

कि उनके जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो पुअर्टी से निकल जाएं मिजरी से बाहर निकल जाएं और जो ह्यूज इकोनॉमिक इनकोलिटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ द हैज़ नॉट क्वाइट सक्सेज पर इतना ज़्यादा हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी भी हमारे पास क्या है रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा वास्ट गैप है वी आर स्टिल अ वेरी पुअर एंड अन एकवल कंट्री हमारे देश में बहुत से गरीब हैं और बहुत से जो प्रॉपर्टी का सेवेंटी आपको पता है कि कुछ वन परसेंट लोगों के पास पूरे मनी का सेवेंटी परसेंट सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री परसेंट मनी वो इंडिया की वो वन परसेंट लोगों के पास होती है तो ये बहुत ही अनिकवल कंट्री है बहुत से लोग पुअर हैं बहुत लोग कुछ लोगों के पास वन परसेंट लोगों के पास बहुत सा पैसा है तो ये बहुत ही इनकोलिटी है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउ स्पेस फॉर आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ द पुअर एंड डिप्राइव सिटीजन लेकिन हम हमारी पॉलिटिक्स क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पुअर और डिप्राइव सिटीजन होते हैं वो अपनी बातों को अपने गिरव्यांस को आर्टिकुलेट कर लेते हैं आर्टिकुलेट मीन्स दे कैन कम्युनिकेट दे कैन गिव देयर गिव द वॉइस टू देअर प्रॉब्लम तो डिप्रावीज़न जो हैं वो अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से वो अपनी बातें कह सकते हैं देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू कम्बाइन इकनॉमिक ग्रोथ विध ह्यूमन डेवलपमेंट अब जो भी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आती है तो उनके पास क्या प्रेशर होता है कि वो इकनॉमिक ग्रोथ भी करें और ह्यूमन डेवलपमेंट भी करें दोनों काम करने होंगे अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन में हार सकते हैं दस डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पोलिटिकल आइडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी तो डेमोक्रेसी क्या है ये सिर्फ़ एक पोलिटिकली पोलिटिकल आइडियल नहीं है इससे क्या हो सकता है सिक्योरिटी भी आ सकती है इकोनॉमिकली इक्वलिटी भी आ सकती है जो मिलिटेंट्स ग्रुप को जो टेररिस्ट ग्रुप को प्रॉब्लम्स है वो अपनी बातें कम्यूनिकेट कर सकते हैं और पोलिटिकल पावर को शेयर कर सकते हैं You will read more about the success and failure of Indian democracy in this respect in the textbook on politics in India since independence. So, rest of the part of the success or failure of Indian democracy, we will be reading in the another book. Thank you. Have a nice day.